आज हम यहाँ बात करेंगे दूरस्थ पॉइंट की। गोल मुझे मेरा एक पॉइंट आता है दूरस्थ पॉइंट। इसमें क्या है, पहला दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इनका पॉइंट है। जो हमारा दक्षिणी पॉइंट है हमारा भारत का, उसमें सबसे दूरस्थ पॉइंट जो है वो क्या है, इंदिरा इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन के पास इंदिरा कोल है। और जो हमारा उत्तरी बिंदु है वो हमारा सियाचिन ग्लेशियर के पास कौन सा है, इंदिरा कोल है। और सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। तो ये कहाँ पर है, हमारा गुहार मोती गुजरात में है। जो सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात में है। और सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु जो है किबथू, कहाँ पर है, किबथू अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है किबथू में वहाँ पर है। तो ये हमारे हो गए कि भारत के चार जो दूरस्थ पॉइंट है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, हमारे कौन से सबसे दूरस्थ पॉइंट है, जो कि क्वेश्चन बनते हैं इससे, कौन से दूरस्थ पॉइंट है। अब हम आते हैं भूगोल में सीमावर्ती देशों में, ठीक है। तो सीमावर्ती देशों में हमारा क्या हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है, जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है, किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। और सबसे छोटी जो सीमावर्ती जो है, सबसे छोटी जो सीमा शेयर करता है वो किसके साथ करता है, वो हमारा अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वो किसके साथ होता है, पश्चिमी बंगाल के साथ शेयर करता है राज्य की। जबकि भारत और म्यांमार, म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वो किसके साथ वो शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ उसकी लगती है। अब यहाँ पर कुछ रेखाओं के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा भारत और पाकिस्तान को निर्धारित करती है, भारत चीन को निर्धारित करती है। सबसे पहले हम आते हैं भारत और पाकिस्तान को, भारत और पाकिस्तान को निर्धारित करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं या रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकेंड वन आता है भारत और चीन, भारत और चीन को निर्धारित करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन को निर्धारित करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान को निर्धारित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, भारत और अफगानिस्तान को निर्धारित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, डूरंड रेखा कहते हैं, डूरंड रेखा कहलाती है। अब हम यह बात करेंगे कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है भारत के साथ है, ठीक है, बांग्लादेश की। फिर दूसरा आता है जो पाक जल डमरू मध्य, पाल जल डमरू मध्य द्वारा भारत और श्रीलंका से अलग होता है। भारत जो है श्रीलंका से अलग किस कारण होता है, पाक जल डमरू मध्य के कारण होता है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएँ तीन देशों नेपाल भूटान और चीन से मिलती हैं। सिक्किम प्रदेश की जो सीमाएं होती हैं वो नेपाल भूटान और चीन से मिलती हैं। त्रिपुरा उत्तर पश्चिम और दक्षिण से बांग्लादेश की, त्रिपुरा जो है उत्तर पश्चिम और दक्षिण तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। जबकि पश्चिमी बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल जो है उत्तर में तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये क्वेश्चन लॉजिकल है। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि त्रिपुरा है वो उत्तर पश्चिम और दक्षिण से बांग्लादेश घिरा हुआ है, जबकि पश्चिमी बंगाल जो है केवल उत्तर में तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं उसकी।